अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज आप देख रहे हैं कोई स्पाइसेस नहीं, कोई कुछ नहीं, आप कहने वाले विदाउट एवरीथिंग। आज आपको बहुत अच्छी चीज बनाना सिखाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ, तो आज आपको दूध पत्ती सिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 कप दूध ले लिया है। सो हम 3 लोग हैं, 3 कप मैंने दूध ले लिया है और बस चूल्हे पर रख लेते हैं। सो इसमें मैंने 3 कप दूध और 1/2 कप पानी डाला है। 3 कप चाय बनाने के लिए, दूध पत्ती बनाने के लिए मैंने 3 कप दूध और 1/2 कप पानी डाला है। आप अगर स्ट्रांग बनाना चाहें तो आप स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी पसंद की पत्ती ले लें। मैं टेटली यूज करती हूँ यहाँ पे कनाडा में। तो मैंने 3 कप है, तो ये 2, 3, 4 और आजकल उजैर को क्रेव है स्ट्रांग चाय पीने का, तो ये 5। और उसके बाद मैं देख लूंगी कितनी और चाय चाहिए इसमें। और इसके साथ ही मैं, वैसे मैं आपको पता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम फीकी चाय पीते हैं, मीठा भले डब्बों के डब्बे खा जाए लेकिन चाय हम फीकी पीते हैं। तो ये इसमें मैं जा रही हूँ 1/2 चम्मच, ये टीस्पून है, 1, 2, 3, 4, 5 डाल दिए हैं, कम ज्यादा हम देख लेंगे। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो नहीं डालें। ज्यादातर मैं नहीं डालती हूँ लेकिन आजकल आज आपके लोगों के लिए स्पेशली डाल रही हूँ, तो जितने कप हैं उतनी डाल दें आप। तो 3 कप है, मैंने 4 डाल दी और बस कुछ भी नहीं, अब इसको वेट करेंगे उबलने के लिए। तो जब उबलने लगी तो मैंने लो कर ली, वरना ज्यादातर तो ये गिरती है बाहर। इसको लो कर लें और आप चेक कर लें कि आपको कैसा कलर चाहिए। कलर मेरा ख्याल अच्छा है अभी फिलहाल, क्योंकि और पकेगी अभी 3-4 मिनट। तो आप देखें कि ये, क्योंकि दूध पत्ती है तो दूध की झाग ऑलरेडी आ रही है, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में पठान की चाय बहुत मशहूर होती है। ये देखें, अब आप इसको यूं करते रहे ताकि ये और क्रीमी सा और इस पे ये झाग सी आ जाए। जितना ज्यादा करेंगे उतनी, जितनी आपके बाजू में हिम्मत है उतना कर लें। मैं तो सिर्फ वीडियो के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ। इसको अच्छी चाय बनाने के लिए आपको 2-3 मिनट इसको बॉयल करना है, 2 से 3 मिनट, बहुत अच्छी तरह पक जाए। जब ये पकेगी ना तो तभी इसका टेस्ट आएगा। जब ये चाय उबलने लगे तो आप हीट कम कर लें, वरना बस इसको मीडियम पे रख के आप इसको पकाते रहें। और जब आपके पसंद का कलर और रंग और मीठा सब कुछ आ जाए तो बस इसको बंद कर दें। बस ये थी चाय, और बहुत आसान है पर बहुत टेस्टी है। जब आप इसके एडिक्टेड हो जाते हैं तो आपको स्टीप टी या वो केटल टी अच्छी नहीं लगती। मेरा ख्याल है ये कलर तुम लोगों के लिए परफेक्ट है। चलिए चाय रेडी है मेरे पास। तो ये देखें, मैंने वो छन्नी नहीं इस्तेमाल की क्योंकि मुझे पता है मैं इलायची डालूंगी नहीं इसमें। चलें, ये 2 चाय हैं उसामा उजैर की, ये मेरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।